ओके क्लास, लास्ट टाइम हमने इसमें अपने लोड्स जो है वो डिफाइन कर रहे थे। डिफाइन में जाएंगे लोड पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपसे हम बात कर रहे थे इस बारे में कि डेड लोड जो है वो सॉफ्टवेयर इसका खुद कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है? आपके पास आपने सॉफ्टवेयर को जो सेक्शन है वो दे दिए हैं। ठीक है, कंक्रीट में डिफाइन में जाके हमने मटेरियल जो है वो भी डिफाइन कर दिया है उसकी। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपने डायमेंशन दिए हुए हैं, डायमेंशन से वो वॉल्यूम ले लेगा, और उसके बाद जो आपने उसमें कंक्रीट जो भी बताई हुई है वहाँ पे, या जो भी मटेरियल वहाँ पे यूज़ होना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ करते हैं, वहाँ पे डेंसिटी है तो उससे मल्टीप्लाई करके उसका डेड वेट खुद से कैलकुलेट कर लेता है। बाकी जो हमारे हैं लोड्स, उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हम 0 रखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक लाइव लोड जनरेट करना है, ये हमें खुद बताना होता है क्योंकि एट न्यू लोड। ठीक है, उसके अलावा शेयर वाल लोड होगा। यहाँ पे ये लोड जो हमारे पास आएगा वो हम मोर में जाके सुपर डेट करेंगे। ठीक है, एड लोड। इसी तरह ये वाल का लोड जो है ये भी हो। ठीक है जी, तो अब हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड आ गया, शेयर वाल एंड वॉल। ठीक है, आगे मूव करने से पहले हम विंड के जो पैरामीटर्स हैं उनको देख लेते हैं। मॉडिफाई लेटर लोड पैटर्न में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है एक्सपोजर। ठीक, अब जैसे हमने पहले भी बात की है कि विंड लोड या लेटर लोड जो बाकी है हमारा कुक वगैरह के, ये हम UBC 97 यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड से लेंगे। ठीक है, इसमें सारे पैरामीटर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, यानी कि आप बिल्डिंग किस जगह पे बना रहे हैं। अगर आप कराची में बना रहे हैं तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, अगर आप लाहौर में बना रहे हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक्सपोजर डिफरेंट है, और अगर आप पेशावर वाली साइड पे, ठीक है, हिली एरियाज में बना रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एरिया, आपकी जो अप्रोच है, जो आपका उसकी एरिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपोजर उसका डिफरेंट है। बेसिकली हमारे पास जो एक्सपोजर होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, ए बी सी और डी, और इनमें से सबसे जो वर्स्ट आपका एक्सपोजर है वो डी होता है, और सेकेंड वर्स्ट बेसिकली सी है। ठीक है, मतलब इसमें आपका वर्स्ट एक्सपोजर से मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत ही तेज़, यानी कि 80 माइल पर आवर या उससे ज़्यादा की स्पीड से आपकी जो हवा है, विंड है, वो चल रही होती है। ठीक है, तो इससे कम अगर आप चलते जाएं तो वो उसका एक्सपोजर कम होता जाएगा। हमने यहाँ पे एक्सपोजर बी रख लेते हैं। ठीक है, या सेकंड वर्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ। विंड स्पीड जो है वो 15 माइल पर आवर। ठीक, बाकी ये सारे फैक्टर जो हैं ये डायरेक्ट UBC 97 से लिए गए। इसको बी में कर देते हैं क्योंकि ये माइल्ड है। ओके, ठीक है, इसी तरह अर्थ क्विक एक्स डायरेक्शन में आएंगे, मॉडिफाई लेटरल लोड। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये ग्लोबल एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में। अब हमारे अर्थ क्विक एक्स डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉयल प्रोफाइल टाइप है, आपकी सॉयल कैसी है उस जगह पे, जिस जगह पे आप बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ की सॉइल टाइप कैसी है, एस ए है, बी है, सी है। ठीक है,
जो आपकी होती है सोयल एस ए, मतलब एस सी का मतलब होता है वेरी डेंस सॉइल, ठीक है, और एस बी रॉक है, एस ए मतलब वेरी हार्ड रॉक, ठीक। तो ये जैसे जैसे आप नीचे नीचे आते जाएंगे तो आपकी सॉइल जो है उसकी कैटेगरी भी चेंज होती जा रही है। ए बहुत हार्ड रॉक, बी रॉकी टाइप थोड़े सा, और सी आपकी जो है डेंस सॉइल, वेरी डेंस सॉइल। तो एस सी हमारे पास है। उसके अलावा है आपके पास सीजमिक जोन फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया किस जगह पे है, आप किस जगह पे जो सीज़मिक लिहाज से इसको डिफाइन किया गया। अगर मैं पाकिस्तान की आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा सकूँ, ये पाकिस्तान पिक्चर है, इसमें एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकॉर्डिंग टू सीज़मिक इफेक्ट्स। अब यहाँ पे पंजाब में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जोन 2 है। जोन के मुताबिक आपने अपना जोन देखने के बाद UBC 97 का जो एक टेबल है, ठीक, यहाँ पे टेबल भी ये मैंने उधर से, ये देखें, ये उधर से टेबल लिया गया, उसमें 2A जोन जो है उसकी जो वैल्यू है जेड, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। उसके अलावा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आपका जो होता है स्टील स्ट्रक्चर के लिए वो होता है 0.035, और कंक्रीट के लिए होता है 0.034। ये 0.03 होता है, रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए 0.03 होता है, ठीक। हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इसको 0.03 कर देते हैं। बाकी हमारे पास ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर आर है, ठीक है। ये अगर हम शियर स्ट्रक्चर या शियर वॉल्स वगैरह के साथ हम अपना कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है 5.5, और अगर विदाउट शियर वॉल है तो वो 3.5। इसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 3.5 से 8.5 तक की वैल्यू करती है। इम्पोर्टेंस फैक्टर है आपके पास, ये अगर स्टैंडर्ड जो आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी, ये सारी वैल्यूज, ठीक है, ये इसके लिए होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये सारी वैल्यूज जो है वो UBC 97 से मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे। इसी तरह वाई डायरेक्शन में चेक कर लेंगे, इसको 0.15 कर देंगे, ये 0.30 है, 5.5 है, और ओके, ठीक है जी। हमारे लोड सारे डिफाइन हो चुके हैं, ओके, इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन जो हमने डिफाइन करने थे, उसमें से फ्रेम सेक्शन हमने सारे डिफाइन कर लिए हुए हैं। एरिया सेक्शन रह गए हमारे, यानी कि हमारी स्लैब वगैरह और हमारा वॉल वगैरह जो है ये रह गए थे। तो इसके लिए मैं ऐड न्यू सेक्शन करेंगे, मेरे पास स्लैब है, स्लैब जो है वो हमारी है 1.25 mm, ठीक है। इसमें कंक्रीट जो हम 20 MPa यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी 1.25 मेम्ब्रेन और 1.25। अच्छा, मेम्ब्रेन और बेंडिंग में क्या फ़र्क है कि मेम्ब्रेन जो है वो आपकी इनटू दी जो प्लेन है उसको उसकी स्टिफनेस देती है, और बेंडिंग जो है वो आपकी आउट ऑफ द प्लेन स्टिफनेस देती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास शेल है, ठीक है, और प्लेट है, मेम्ब्रेन है, ठीक।
मेम्ब्रेन की अभी हम बात जैसे कर रहे थे कि जी, तो हम बात कर रहे थे कि मेम्ब्रेन जो है वो आपकी जो डायफ्राम एक्शन है उसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है। डायफ्राम एक्शन यानी कि आपके जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट हैं लोड की वजह से उनको कंसीडर नहीं करता। शेल में ये है कि इसमें ये इनटू और आउट ऑफ प्लेन जो है ना वो दोनों को कंसीडर करता है, दोनों की स्टिफनेस को कंसीडर करता है, ठीक है। यानी कि इसमें स्लैब जो है वो बीम का ही पार्ट बन जाता है, इसलिए हम शेल थिन रखेंगे और अच्छा इसमें हम एक चीज जो है मॉडिफाई करने वाली, सेट मॉडिफायर में हमने इसको डिस्कस नहीं किया। बेसिकली हम जो सेक्शन ले रहे हैं जो हम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं इसमें हमारे सेक्शन जो है वो वहाँ पे हम क्रैक सेक्शन इनको अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्रैक सेक्शन में क्या है कि क्रैक सेक्शन में अगर फर्ज करें कि हमारे पास कोई बीम है उस पर लोड आता है तो उसमें लाजमन कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉटम फाइबर जो है वो जो बीम का आपका बॉटम फाइबर है वहाँ पे हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं, जो नेकेड आई से तो नहीं नज़र आते लेकिन ये प्रोड्यूस जरूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप कंक्रीट का जो नेट इफेक्टिव एरिया है आपका वो कम हो जाता है। जब नेट इफेक्टिव एरिया आपका कम हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू है BH³/12 यानी कि BD³ या डेप्थ कर लें या एच कर लें, ठीक, BD³/12। अब डेप्थ कम होने की वजह से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाता है। तो इसमें बीम के केस में हमारा पास जो इसका फैक्टर होता है वो 0.25, यहाँ पे भी 0.25, 0.25, ठीक है, ये हम ओके कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक शियर वॉल 150 की डिफाइन करवानी है, अगर आप इसको इन मॉडिफायर्स को कम नहीं करेंगे तो ये जितनी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ है जितनी वो बेंडिंग वो पूरी पूरी लेगा, ठीक है। ओके हम इसको कर देते हैं डिफाइन में, बल्कि हमने जो अपने फ्रेम सेक्शन है यहाँ पे भी हमने इनको चेंज कर लेते हैं, इनमें भी हमने मॉडिफाइंग फैक्टर नहीं लगाए थे। ये मेरे पास है बीम, बीम है, बीम का जो मॉडिफाइंग फैक्टर वो 0.35, ओके ठीक ओके। कॉलम के लिए इसका जो फैक्टर है वो है 0.7, हमारे पास हमारे यूनिट्स एक्चुअली मीटर्स में चले गए हुए हैं, यूनिट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, शुरू में ही चेक कर लेने चाहिए थे। ओके ठीक है, हमने इसको मिलीमीटर में रखा हुआ है, ये शायद पहले कहीं चेंज हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया इसको, इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपने फ्रेम सेक्शन को, कोई हमें चेंज तो नहीं आ गया। 300, ओके
300 कॉलम 300 300, यहाँ पे ये गलत हो गया, 3000 दिखा रहा। ओके जी, इसका सेवन। ओके, अब हमारे पास सारे बीम और कॉलम्स विद मटेरियल्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं, लोड हमने डिफाइन कर लिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम इनको ड्रा करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं बीम ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए ये मेरे पास एक ऑप्शन है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, और अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो हमें जस्ट एक क्लिक करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे सारे बीम लगाता जाएगा। तो पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बाई वाली साइड पे मैं बीम जो है वो अपनी स्मॉल जो छोटी डायमेंशन है वो यूज़ कर लेता। अच्छा, इसमें सबसे पहले, इससे पहले एक चीज़ जो देखने वाली है, आप यहाँ पे 3D व्यू में देख रहे होंगे कि हम अपने फाउंडेशन से टॉप वाले जो पहला जो हमारी स्टोरी आती है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको एक इसी फ्लोर के ऊपर काम कर, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग जो है इसका जो लेआउट है, ठीक है, ग्रिड लाइंस है, वो सब की स्पेसिंग सेम है, ठीक है। तो हम एक स्टोरी के ऊपर काम कर लेंगे और उसके बाद उसको रेप्लीकेट कर देंगे बाकी सब में। तो मैं यहाँ पे अब इसमें इसको कैसे किया जा सकता है, क्लोजिंगली मैं ये टूल्स ज़रा समझना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है जिसमें वो आपको इसका प्लान दिखा रहा है, मतलब मैं यहाँ पे जब इसको इधर लेफ्ट विंडो के ऊपर अपना कर्सर लेके आता हूँ तो आप राइट विंडो के ऊपर देखें कि वो ब्लू लाइन में उस स्टोरी को उस साइड उस डायरेक्शन में शो करता है कि ये डायरेक्शन क्या है, कौन सी स्टोरी है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स जी में ले जाऊँ, ठीक है, अब आप उसको देखें कि वो उसकी बिल्डिंग की फ्रंट या बैक साइड को शो कर रहा है, ब्लू लाइंस जो हैं, और वो कौन सी साइड है, ठीक है, कौन सा वो आपका ग्रिड है, ग्रिड है वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। आप इस ग्रिड को चेंज भी कर सकते हैं, वो भी उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके सारे फेसेस को देखते हैं, उसके बाद वाई जी है। अब आप देखें कि बिल्डिंग की वो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको शो कर रहा है, और उसमें जो सेकंड लास्ट आपका या सेकंड जो है आपका ग्रिड लाइन उसको ब्लू लाइन से वो जाहिर करता है। अब अगर आपने इस ग्रिड के ऊपर काम करना है तो आप ये शो कर रहा है, लेकिन अगर आपने इससे आगे जाना है तो ये एरो के दो बटन है, आप इसको क्लिक करें, ये देखें ये अगली ग्रिड के ऊपर मूव कर गया, फिर आप दोबारा क्लिक करें फिर अगले ग्रिड पर मूव करा गया, ऐसे आप इसको वापस भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे एक्स वाई डायरेक्शन में काम करना है, इसको अगर मैं ऊपर लाना चाहूँ तो मैं इस तरह से ऊपर जाऊँ। यहाँ पे अभी मुझे बीम लगाने हैं, मैं स्मार्ट, अच्छा यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने जो भी आपने सेक्शन यहाँ पे ड्रा करना है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बीम अभी आउटर साइड के ऊपर जो बीम है वो मैं लगा देता हूँ। ये जो जगह मैं साइड पे छोड़ रहा हूँ ये कैंटिलीवर पोर्शन है बेसिकली, यहाँ पे बीम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्लैब आएगी, ठीक। अब मैं जो लार्जर साइज वाले हैं
यहाँ पे हमें लॉगिन प्रोवाइड करना। राइट क्लिक से मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक से मैं बीएम्स को लगाता रहूंगा, फिर राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये मेरा एरिया ओपनिंग का है इसलिए मैं इसको यहाँ पे बीम नहीं लगा रहा, इसको बंद करेंगे। ठीक है, कमांड से स्केप दबा के हम कमांड से बाहर आ गए। अब एरिया सेक्शन है उसको हमने डिफाइन करवाना है, तो क्विक ड्रा एरिया में आ जाएंगे, यहाँ पे शीयर वाल शो कर रहा है तो मुझे स्लैब डिफाइन करवानी है अभी। ठीक है, तो स्लैब डिफाइन करेंगे, जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक अगेन अगेन, तो ये आपका, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको इस तरह करके इसको एक साइड पे क्लिक करना था देन दूसरी साइड पे क्लिक करना था। ये क्विक जो हमने क्विक ड्रा एरिया हमने वो सिलेक्ट किया, उससे जस्ट वन विद द सिंगल क्लिक आपकी स्लैब ड्रा होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास सारी स्लैब भी ड्रा हो चुकी हैं। ओके जी, हमने अपने बीम्स और स्लैब डिफाइन यहाँ पे ड्रा भी कर लिए। ठीक है, तो अभी हमें इसके कॉलम लगाने, तो इसको हम जाएंगे वाई जी डायरेक्शन में। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें कि इस जगह पे वो हमें शो कर रहा है, मैं यहाँ पे कॉलम जो है ये हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट ग्रिड पे चले जाएंगे, नेक्स्ट ग्रिड पे इस तरह हमें कॉलम डिफाइन करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड। आप यहाँ पे 3D व्यू में भी देख सकते हैं कि हमारे कॉलम जैसे जैसे वहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। लेफ्ट क्लिक से हमें कॉलम को ड्रा करेंगे और राइट क्लिक से कमांड से बाहर आ जाए। उसके बाद अगेन हमारा सेकंड लास्ट है, आगे हमारा कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर पे हमें कॉलम प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है क्लास, इसमें अभी हमारे पास कॉलम भी लग चुके हैं, मैं अपना दोबारा वापस आ जाता हूँ। अच्छा, इसको अगर हमने एक्सट्रूड की यहाँ पे कमांड होती थी, शायद इसके जो नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे शायद मौजूद हो, तो यहाँ पे उसकी वो कमांड नहीं है। खैर ठीक है, हम इसी से उसी को लेके चलते हैं। बाहर आएंगे,
उसको थोड़ा सा इशू है, पर इसमें आप जो एग्जैक्ट उसकी विड्थ के लिहाज से भी इसमें एक्सट्रूड की कमांड ये यहाँ से शो करके आप इसको देख सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड ही इसका व्यू टाइप कर देता हूँ क्योंकि वो माउस उसमें वर्क नहीं कर रहा। ठीक, ओके क्लास, थैंक यू।